तो देखते ही देखते 2022 बीत चुका है, बट इस 2022 में जो मैंने अपनी स्किन के लिए किया और जिसे मैं रेगुलर किया है, वो चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसने बहुत असर मेरी स्किन पे किया है, एक्चुअली मेरी पिगमेंटेशन पे किया है, मेरी ऑल ओवर स्किन को इम्प्रूव करने में किया है। ठीक है, तो हमेशा बोलती हूँ कि लगातार चीज़ें जब हम करते हैं तो वो रिजल्ट देती हैं, बट हमारा क्या है कि हम थोड़े दिन करते हैं और बस उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट मिलना चाहिए। हालात चाहे जो भी हो, हम जिस चीज़ को हमने ठाना है ना, उसके बीच में रुकावट हमें नहीं आने देनी चाहिए। ठीक है, तो हर एक चीज़ से इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। जो मैंने लास्ट ईयर से सीखा, वो चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और मैंने शेयर भी किया है, और मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप करेंगे ना लगातार इसको, तो आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने फेस को क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद टोनर से वाइप कर लो। और एक चीज़ और बताती हूँ कि मैं वीक में 2 बार एनी हाउ, चाहे मर्जी जो हो जाए, वीक में 2 बार करती ही करती हूँ। ठीक है, तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। और रिजल्ट्स अगर आपको ना मिले ना, तो मुझे बताना। आप ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि कि आपको रिजल्ट ना मिले, जब चीज़ें लगातार होंगी तो रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा यहाँ पे स्टीमिंग का। अगर आप लोगों के पास स्टीमर नहीं है, तो आप किसी बर्तन की हेल्प से भी ये जो स्टेप है ना, ये कर सकती हैं। तो स्टीमिंग बहुत अच्छी है स्किन के लिए। काफ़ी कुछ हमारी स्किन के ऊपर ऐसे डर्ट वगैरह चिपकी रहती है, जो अंदर चली जाती है और फिर हमें पिंपल्स वगैरह होती है। अगर हम स्टीमिंग करते हैं तो वो सारी निकल जाती है। वीक में 2 बार करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं कर रही हूँ अपने फेस पे ऑयलिंग। तो ऑयलिंग के लिए मैंने यहाँ पे बादाम ऑयल लिया है और एक पूरा विटामिन ई का कैप्सूल डाला है, क्योंकि सर्दियाँ चल रही है और मैं चाह रही हूँ अब मेरी स्किन स्टीमिंग की वजह से ड्राई ना हो, तो इसको अच्छे से हाइड्रेट करने के लिए। ठीक है, तो पूरे फेस पे लगा लो अच्छे से, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और आपको पता है कि ऑयलिंग की हेल्प से, जब हम ऑयलिंग करते हैं ना, उससे भी जो हमारे ब्लैक हेड वाइट हेड्स है ना, वो निकल जाएंगे। आप नोट करके देखना, जब भी अपने फेस को ऑयलिंग विद स्टीमिंग करोगे, उससे पहले अपने नोज़ को टच करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्लैक हेड वाइट हेड वही होते हैं। उसके बाद जब आप ये प्रोसेस कर लेंगे, उसके बाद देखना आपको बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा। तो अच्छे से अपने फेस को मसाज कर लो। मसाज का ऑलरेडी चैनल पे वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो डेफिनेटली देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अच्छे से मसाज करने के बाद आपने क्या करना है कि स्टीमिंग लेनी है। मसाज करते करते स्टीमिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत इफ़ेक्टिव है आपकी स्किन। आप देखोगे कि एक तो मसाज की वजह से ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हुआ है, और जब हम स्टीमिंग लेंगे तो सारी धूल मिट्टी डर्ट निकलेगी। और मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, आप भी बताना कि आपने लास्ट ईयर क्या ऐसा अपनी स्किन के लिए किया जिसको आप लगातार कर रहे हैं, या आपको कुछ रिजल्ट्स मिले या नहीं मिले। जो भी आपका एक्सपीरियंस हो, ज़रूर शेयर करना। और जब से मैंने मसाज अपने फेस के लिए स्टार्ट की है, इसके रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे मिलते हैं। इवन नेक को इतना रिलैक्स मिलता है, पूरी थकान हमारी दूर हो जाती है। तो प्लीज़ अगर आपने मसाज स्टार्ट की है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं की है तो प्लीज़ इसको अपने जो रूटीन का है ना, एक हिस्सा बना लो, तो बहुत अच्छा आपको फील होगा आपकी स्किन को, और आपकी जो दिन भर की टायर्ड हुए रहते हो ना, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से मसाज करने के बाद, थोड़ी देर मैंने मसाज किया है, उसके बाद अब हम लेंगे स्टीमिंग। स्टीमिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है कि हमने अच्छे से स्टीम लेना है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, टावल ले रहे हैं, जिसकी हेल्प से बहुत अच्छे से स्टीमिंग लेंगे हम। ठीक है, बहुत ज़्यादा देर नहीं लेंगे। तो इस तरह से जब टावल से स्टीमिंग लेते हैं, तो इतनी देर स्टीमिंग लेनी है कि आप देखोगे कि आपको बहुत अच्छे से स्वेटिंग हो चुकी है, काफ़ी अच्छे से स्टीम आपके फेस पे लग चुकी है। और जब आपको ऐसा फील होता है, तो आपने टावल को हटा देना है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से स्टीमिंग होती है, क्योंकि पूरी स्टीम जो है ना, साइड में नहीं जाती है, पूरा फोकस जो स्टीम का होता है वो हमारे फेस के ऊपर होता है, और इस टाइम पे बहुत सॉफ्ट हमारी स्किन जो है वो हो जाती है। इसके बाद आपने इसको निकाल देना है। जब आपको लगे कि अच्छे से स्टीमिंग हो चुकी है, स्वेटिंग हो चुकी है, तो अब आपने एक टिशू लेना है, टिशू की हेल्प से अपने पूरे फेस को क्लीन कर लेना। आप देखोगे कि जितनी भी धूल मिट्टी डर्ट थी वो भी निकल जाएगी, साथ ही साथ आपने ऑयलिंग की है तो ऑयल भी पूरा निकल जाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि आपकी ऑयली स्किन है तो क्या होगा। ठीक है, इस तरह से वाइप करने के बाद एक बार फिर मैंने स्टीमिंग ली है। 2 बार आपने ये स्टेप करना है, स्टीमिंग लेनी है और अपने फेस को वाइप करना है टिश्यू की हेल्प से, या भी किसी भी कपड़े की हेल्प से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एक सिर्फ एक ये स्टेप, स्टीमिंग विद स्क्रब या स्टीमिंग विद मसाज,
मेरा मोस्ट फेवरेट स्टेप है। एक तो मुझे बहुत बेनिफिट इसके मिले हैं, तो आप भी लगातार इसको करके देखना, वीक में 2 बार आपको भी मिलेंगे। दोबारा से मैंने इसको इस तरह से अपने जो स्टीमिंग ली है और अपने फेस को क्लीन कर लिया है, वाइप कर लिया है। वाइप करने के बाद ही जो है, इसी स्टेप को करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि और कोई करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये भी कर सकते हैं, इतना भी अगर आप करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए। आप ऐसे ही सोने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ और करती हूँ, जब भी मैं स्टीमिंग लेती हूँ तो एक स्टेप और करती हूँ। तो वो क्या है, एक फेस पैक लगाती हूँ जिसमें मैंने दही डाली है, थोड़ा सा मैंने डाला है चावल का आटा। वही फेस पैक आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है, और इस पे मैं अब एक एक्स्ट्रा इंक्लूड जो कर रही हूँ वो है विटामिन सी, यानी कि ऑरेंज पील पाउडर, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये मैंने घर पे ही बनाया था। इसके बाद चावल का आटा, ठीक है। चावल का आटा भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और अभी मैं काम कर रही हूँ थोड़ा सा, मैं सोच रही हूँ कि मेरे फेस के जो छोटे छोटे बाल है ना, वो भी निकल जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे आटा डाला है। अब मैंने इसमें ऐड की है थोड़ी सी कॉफ़ी और थोड़ा सा हनी। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पे लगाना है, ठीक है। ये फेस मास्क, अगर इनमें से कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली स्किप कर सकते हैं, बट चावल का आटा, क्योंकि स्किन पे जो भी आपको प्रॉब्लम है ना, उसको हेल्प करता है ये रिमूव करने पर। मुझे चावल के आटे के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और चावल का आटा स्क्रबिंग बहुत अच्छे से करता है और स्किन को लाइट करने में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ जो जो आपके पास चीज़ नहीं है तो डेफिनेटली आप स्किप कर सकते हैं प्लीज़, बट इन सर्दियों में ऑरेंज पील पाउडर बना के अपने लिए रख लो, जो कि साल भर आपके काम आएगा और बहुत इफ़ेक्टिव भी होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी मुझे फेस जो है काफ़ी क्लीन लग रहा था, उसके बाद मैंने पूरे फेस पे इसको एक थिक लेयर लगानी है। तो मैं बता रही थी आपको कि मैं अपने फेस के जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, खासकर साइड में जो हमारे छोटे छोटे बाल आ जाते हैं, उन पे भी थोड़ा सा काम कर रही हूँ, उनको भी निकालने की कोशिश करती हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो अपना नॉर्मल आटा डाला है, उसकी हेल्प से ये काम काफ़ी अच्छे से हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा स्टिकी होता है। और जब कोई चीज़ चिपकती है और उसके बाद हम उसको निकालते हैं ना, तो जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे से हमारे निकल जाएंगे, ठीक है। तो हालांकि इस टाइम पे मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं चल रही है, बट इसलिए आपको बोलती हूँ कि चीज़ें लगातार करनी हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपना काम करना है कैसे ना कैसे, थोड़ा सा जब भी आपको बेटर फील होता है या जो भी चीज़ आप कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना करिए, बट लगातार चीज़ें करोगे ना तो लगातार करने से ही रिजल्ट्स मिलेंगे, एक दिन करने से कभी भी नहीं मिलेंगे। तो अभी आपको 15 to 20 मिनट वेट करना है, उसके बाद ये ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद आपने इसको कुछ इस तरह से रब करते हुए निकालना है, और काफ़ी अच्छा आपको लगेगी स्किन। इस तरह से रब करते हुए निकाल देना है, और उसके बाद पानी थोड़ा सा फेस पे लगा के और हल्के हल्के हाथों से रब करके पूरे को वाइप कर लेना है, फेस को अच्छे से वॉश कर लेना। आप चाहे तो डेफिनेटली गुनगुना पानी यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं, नहीं तो नॉर्मल टैप वाटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। तो मैं आपको बता रही थी कि लास्ट ईयर यानी कि इस ईयर 2022 में मैंने इसको वीक में 2 बार अपनाया है, और रिजल्ट्स मुझे मिले हैं जो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जो कि आपके सामने भी है। तो लगातार चीज़ें करना, रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि पिगमेंटेशन पे भी इसने काम किया है, बहुत अच्छे से स्किन को लाइट करने में बहुत अच्छे से हेल्प की है। फेस को क्लीन कर लिया, उसके बाद हमेशा बोलती हूँ क्लीन करने के बाद फेस को मॉइस्चर देना बहुत ज़रूरी है। वही क्रीम है जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है, लास्ट टाइम शेयर की थी और घर पे ही बनाई थी, मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। बट मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ, फ्रिज में रखने के बाद इसी को तब से मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली चेक करना, बहुत अच्छी क्रीम है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं, आपको भी मिलेंगे। तो यही थी बस आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो नए चैनल को सब्सक्राइब करना। और ना, जब भी हमेशा अगर बहुत कुछ आप स्किन के लिए नहीं कर सकते ना, तो इतना तो आप कर ही सकते हो कि स्टीमिंग लें, स्क्रब करें और मॉइस्चराइज करें अपनी स्किन को, इससे भी बहुत अच्छे बेनिफिट आपको मिलेंगे। अब हम मिलेंगे एक्चुअली अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जितना हो सके पानी पिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि वेदर ऐसा है तो हेल्थ जो है अप एंड डाउन चलती रहती है, बट फिर भी थोड़ा कोशिश करें और सनलाइट जरूर लें। सनलाइट हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ सोने के लिए, मेरा जो स्किन केयर है वो भी हो चुका